ग्लोबल इंडिया टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर। आज दिनांक 17/10/2021 को धार कलेक्टर श्री डॉक्टर पंकज जैन के और सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री यशवंत धनोरा के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में धार जिले के वृत्त धर्मपुरी के ग्राम उमरिया में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फरार आरोपी अमित चंद्र एवं गजेंद्र जायसवाल तथा पवन जायसवाल के संयुक्त रहवासी मकान पर संयुक्त आबकारी बल के द्वारा आज कार्यवाही करते हुए 58 पेटी विदेशी मदिरा शराब जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम कर मौके से दो आरोपी सुनीता पुत्री अमीचंद जायसवाल एवं शालू पत्नी गजेंद्र जायसवाल को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। संयुक्त सामग्री के अनुमानित मूल्य लगभग 6,15,520 रुपए है। उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गोपाल सिंह राठौर, श्री राधेश्याम राय, श्री देवेश चतुर्वेदी, श्री सीएस मीना, श्री राजेश जैन, श्री प्रशांत मंडलोई, आबकारी उपनिरीक्षक शिव नारायण सिंह नाथ, जितेंद्र भदौरिया, एकता सोनकर, राजकुमार शुक्ला, रोहित मुकाती, राजेंद्र सिंह चौहान तथा आबकारी आरक्षक अमृत लाल मिघाया, पद्मा बघेल, ज्योत सिंह मावी, राजेंद्र यादव की टीम के द्वारा की गई। धार धर्मपुरी से विशेष संवाददाता सोनू मीना की यह खास रिपोर्ट। सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मपुरी, आज दिनांक 17/10/2021 को माननीय कलेक्टर महोदय श्री पंकज जैन के निर्देशन पर एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री यशवंत धनोरा के मार्गदर्शन पर धार जिले के आबकारी स्टाफ द्वारा, जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी उप निरीक्षक एवं स्टाफ था द्वारा, उमरिया निवासी अमित चंद, गजेंद्र एवं पवन के स्वयं के रहवासी मकान में दबिश दी गई और कुल 58 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें ब्रांड थे ब्लेंडर प्राइड थी, आरएस था, एमडी था, मैजिक मोमेंट था, गोवा था, लंदन प्राइड थी, वास्को केन बियर थी, रॉयल स्टेक बियर थी और बैकपाइपर रॉयल स्टेक स्प्रिट और बैकपाइपर की एक पेटी। इस तरह कुल 58.8 पेटी जो है जब्त की गई, जिसकी मात्रा है 503.28 बल्क लीटर और जिसकी अनुमानित कीमत है 6,15,520 रुपये। इसमें अभी तीन आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करना शेष रह गया है, अमीर चंद, गजेंद्र एवं पवन। सर,